फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हैं? आई होप मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड स्वस्थ होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि मम्मी का कल रात से तबीयत थोड़ा खराब हो गया, गैस हो गया, इस वजह से चक्कर आ रहा है। तो मम्मी का हाई ब्लड प्रेशर है, इस वजह से थोड़ा मुझे भी सावधानी लेना चाहिए था। तो इन दिनों मतलब साग ज्यादा खाया और कुछ ऐसा उल्टा वल्टा कुछ खाया, शायद मुझे भी इतना याद नहीं है, जिसके कारण मम्मी का तबीयत थोड़ा खराब हो गया। तो थोड़ी देर पहले मैं मम्मी को भूख लगा, इस वजह से दुकान में है, थोड़ा ठीक हुआ है। तो मैं मम्मी फोन करके मुझे बोला आलू बॉईल करके देने के लिए, चावल में आलू बॉईल ऐसे नमक दे करके मैं थोड़ा ढीला करके बना करके भेजती हूँ मौसी के हाथ में। तो देखती हूँ दोपहर में आने से पता चल गया कैसे है अभी तबीयत। और अभी बज रहा है 12:30 और मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ, खाना तो बनाना पड़ेगा वही। और इधर मैं सारा सब्जी में चॉपिंग करके रख दी हूँ, देखिए। तो भिंडी का भजिया बनेगा और आलू का पतला सा झोल बनाऊंगी फिश का साथ, तो ऐसे बनाऊंगी और पतला सा झोल बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी का तबीयत भी ठीक नहीं है, इस वजह से इस तरह से बना करके दूंगी मम्मी को। और इधर देखिए, यहाँ पर मैं चॉपिंग की थी तो इधर सारा बिखरा पड़ा है। तो पहले मैं खाना बैठा रही थी, उसके बाद ये सब मैं क्लीन करूंगी। और मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है, पूरा काम उल्टा पल्टा मेरा हो रहा है। तो चलिए मैं अभी किचन में जाती हूँ, खाना बनाती हूँ। ऑलरेडी 12:30 बज चुका है और बहुत दिनों के बाद इस किचन में आप सभी को ले आई हूँ। और मुझे जैसा वर्क नहीं मिलता है, वर्क मतलब मेरा भी तबीयत इन दिनों ठीक नहीं है, तो उसके बाद तो ये सब ये वो केस ऑन इधर बाहर जाना, कुछ कारण की वजह से बाहर जाना हो रहा है। तो मैं अच्छे तरह से शूट भी नहीं कर पाई हूँ, तो बाहर बाहर ऐसे शूट कर रही हूँ। किचन में जो मेरा यूट्यूब में मेरा जो सबसे ज़्यादा मैं स्पेंड करती हूँ किचन में, यही आप लोग का साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए आज आप सभी से शेयर करती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। और किचन में आने से मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, और मुझे इस किचन में दोबारा मुझे जीना सिखाया है मेरा लाइफ में, बहुत किस कुछ मुझे सिखाया है। पापा जाने के बाद अगर मैं मतलब जीना सीखी हूँ तो किचन में आ करके, और आप लोग में से बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करेंगे लेकिन ये सच है, मैं अगर उस दर्द से मैं निकली हूँ तो किचन में आ करके खाना बना करके डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिपी बना करके इस तरह से मैं धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में आए हूँ। तो फिलहाल अभी मैं बना रही हूँ भिंडी का भजिया और बहुत ही सिंपल तरह से बनाऊंगी। और इधर मैं भिंडी फ्राई बैठा रही हूँ, और जब तक एक सेकेंड हाँ जब तक ये होता रहेगा तब तक मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। और मम्मी और मुझे ना अलग तरह से थोड़ा मैं काम करती हूँ, और आप लोग में से कोई ऐसा करते हैं कि नहीं पता नहीं, मैं खाना बनाते बनाते बाकी का काम भी मैं धीरे धीरे करती हूँ, जो पेंडिंग पड़ा रहता है काम, लेट हो गया नहीं की हूँ तो वो सब मैं करती हूँ, जल्दी जल्दी खाना भी बना लेती हूँ और इधर बाहर का काम भी मेरा हो जाता है कंप्लीट। और इस तरह से मैं मुझे मतलब खाना बनाने के टाइम नॉनस्टॉप खाना बनाते रहो किचन में खड़ा होकर के मुझसे नहीं होता है, और इस तरह से मैं काम रख देती हूँ, खाना बनाती हूँ वैसे काम भी कर लेती हूँ, धीरे धीरे होता रहता है और इसी तरह से दोनों ही हो जाता है मेरा काम।
इधर मैं फिश का सब्जी अभी बनाऊंगी आलू के साथ, जो आलू चॉपिंग करके रख दी हूँ। और उसके बाद कल का जो मतलब कल का रात का कुछ भाजी था, कैरोट, कॉलीफ्लावर और आलू, ये सब दे करके मतलब भाजी बनाई थी भुजिया टाइप। तो उसको मैं फिर से मतलब गर्म कर रही हूँ, फ्रिज में था तभी भी दोपहर तक अगर लेट हो गया खाना खाते रहते तो खराब हो जाएगा, इस वजह से थोड़ा मैं गर्म कर फ्राई कर दी हूँ। और अभी मतलब दो तरह का तो भुजिया हो चुका है, और अभी झोल बनाऊंगी पतला सा फिश का, क्योंकि मम्मी का तबीयत का उसका भी ध्यान रखते हुए मुझे ये सब सब करना पड़ेगा। और ज़्यादा नहीं, मसाला अभी मैं थोड़ा दूंगी, थोड़ा थोड़ा दूंगी, हल्दी नमक और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर और कश्मीरी मिर्च, ये सब मतलब थोड़ा थोड़ा दे करके मसाला को अच्छी तरह से मैं पका लूँगी। उसके बाद एक ज़्यादा मतलब पानी दे करके पतला सा झोल बनाऊंगी, एकदम सिंपल तरह से बनाऊंगी। और इस तरह से घर में सबको पसंद है पतला सा झोल, और ये गैस का फ्लेम को मैं मीडियम करके धीरे धीरे पकाते रहूंगी। मेरा खाना बनाना भी हो चुका है और घर का काम पूरा कंप्लीट भी हो गया और खाना खा भी चुकी हूँ, क्योंकि मम्मी आया था। हाँ, मम्मी भाई नहीं आया है, मम्मी आया है और मम्मी के साथ मैं खाना खा रही हूँ। और फिर वापस मम्मी चला गया दुकान में, क्योंकि दिवाली है इसके लिए बम लाया था भाई, तो पटाखा तो क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ शायद, इस वजह से फिर से रिटर्न ले करके गया भाई, तो इसके लिए मम्मी का दुकान में रहना पड़ेगा। और तो फिलहाल मैं अभी रेस्ट लूँगी, थोड़ा बहुत सोऊँगी मुझे, क्योंकि रात को मेरा अच्छी तरह से नींद नहीं पूरा हुआ था, तो मुझे अभी पूरा नींद आ रहा है अभी। छोटा छोटा है यहाँ पर, तो मैं देखती हूँ कौन सा हुआ है। देखिए कितना बड़ा हुआ है, तो मैं अगर बड़ा हुआ तो इनमें से कुछ तोड़ूंगी। ये रहा, ये सब नहीं हुआ अभी तक, और भी बड़ा होगा। ये हो गया। हे गाइस, और अभी शाम का 5 बज रहा है, और अभी मैं पीछे में आई हूँ, इधर देखिए, तो डॉगी को पोटी कराने के लिए आई हूँ। वो इधर ही पोटी करते हैं, दूसरी जगह पर नहीं करते हैं, तो अंधेरा भी हो चुका है। हरी मिर्च तो इतना ही मैं तोड़ कर लाई हूँ, और बाकी
अभी मतलब क्या नहीं हुआ अभी तक, अच्छी तरह से नहीं हुआ है बड़ा, तो जितना भी हुआ है ये इतना ही लाया हूँ। और बहुत तीखा है, और ये है क्या पता है, ये है हड़तो की बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर शायद या 8-10 होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और इधर बना मतलब चाय बन रहा है इधर, और चाय भी हो चुका है। यहाँ पर है बाबू का और मेरा चाय, मम्मी तो नहीं है आज, दुकान से नहीं आया अभी तक, तो बाबू का और मेरा चाय दोनों का, चाय बन भी चुका है। तो बाबू को पहले दूंगी, उसका बाद में खाऊंगी चाय, खाऊंगी नहीं पीऊंगी चाय, सॉरी। और अभी मैं चाय पीने के लिए बैठी हूँ, और चाय का साथ है ये पॉप, और बीच में है नारियल, तो ये इस तरह से डुबो डुबो करके। तो मैं इस तरह से खाती हूँ। और मुझे ना पॉप बहुत, और एक है ट्राइंगल का सेफ है, वो भी मेरा फेवरेट है, बहुत फेवरेट है, अच्छा लगता है वो भी खाने में, और ये भी अच्छा लगता है, और इसका जो आवाज है ना, और भी अच्छा लगता है। शाम का 7 बज रहा है, और मेरा सारा काम जो शाम का रहता है वो सब मेरा कंप्लीट हो चुका है। और थोड़े टाइम मैं रेस्ट करूँगी, रेस्ट नहीं कुछ काम करूँगी, और वही। और यही है मेरा छोटा सा सिंपल सा आज का ब्लॉग, दोपहर से इवनिंग तक मैं क्या करती हूँ, तो छोटा छोटा, ज़्यादा कुछ तो ब्लॉग के माध्यम में तो ज़्यादा डिटेल्स में शेयर नहीं कर सकती हूँ, बट छोटा छोटा जो मैं शेयर करना चाहिए वो सब मैं शेयर की हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जो लोग नहीं है मेरा ब्लॉग देखते हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो उन लोग पुराना है वो लोग प्लीज लाइक कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, अच्छा लगता है। और आजकल मेरा सब्सक्राइबर थोड़ा बहुत कम गया, आई डोंट नो व्हाई, क्या आप लोग का पसंद नहीं है ना क्या, वाट एवर, मुझे नहीं पता। ठीक है, आप लोग का अगर पसंद नहीं है ठीक है, आप लोग अनसब्सक्राइब करते हैं तो वही, उसमें आप लोग का अगर खुशी है तो वही सही, बट अगर कोई सब्सक्राइब करने के बाद फिर से अनसब्सक्राइब करते हैं तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ उसके लिए। तो मुझे तो मेरा ब्लॉग बनाना है जब मैं अच्छी रहती हूँ, मेरा तबीयत अच्छा रहता है, घर का माहौल अच्छा रहता है, सब कुछ ठीक रहता है, तो मैं ब्लॉग बनाने के मैं हमेशा ट्राई करती हूँ। बट इन दिनों मेरा पता है ब्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ, ड्यू टू सम रीजन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ। तो उम्मीद कर रही हूँ आने वाले दिन मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, रेगुलर ब्लॉग देने की ट्राई करूँगी, और आप लोग इसी तरह मेरा साथ देते रहिए। और मेरा अगर ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा ताकि मुझे और हिम्मत मिले। और अभी दिवाली का ब्लॉग भी आएगा जल्द ही, तो मैं कुछ खास नहीं, मेरा सिंपल तरह से मैं जैसे हर साल मतलब दिवाली में बनाती हूँ उसी तरह से मैं दिवाली मनाऊंगी, कुछ स्पेशल नहीं है मेरे लिए और कोई डेकोरेशन कुछ भी नहीं है। जितना मैं मेरा पॉसिबल है मैं साफ सफाई करती हूँ, क्योंकि जो हम लोग का यहाँ पर पानी का थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं पूरा सामान पूरा चीज़ मैं साफ सफाई नहीं कर पाऊंगी और करती भी नहीं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ये सब करना, तो थोड़ा बहुत मैं की हूँ
जितना हो मेरे लिए पॉसिबल है मैं की हूँ साफ सफाई। और वैसे ही हम लोग मनाएंगे दिवाली सबका साथ, सब मतलब आप लोग के साथ परिवार के साथ। तो इसी तरह से हंसी खुशी दिवाली मनाऊंगी। और एडवांस हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू, ऑल माय फ्रेंड एंड क्या बोलूँ फैमिली मेंबर्स। तो ठीक है, आज के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। फिर कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। Finding life along the way.